Hi, my name is Riya Vashisht and I'm the Educator Director of the Riya Vashisht International School of Makeup Art. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम जो बात करना चाहते हैं कि हमारी एकेडमी बाकी एकेडमी से डिफरेंट क्यों है, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है. देखिए, मैं अपने एकेडमी को किसी की एकेडमी से कंपैरिजन नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई अपनी फील्ड में एक मास्टर है और हर किसी का अपना एक यूनिक स्टाइल है काम करने का. बट आज जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये कि हमारी एकेडमी में ऐसा क्या है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ कोर्स करने आते हैं और जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में वर्किंग है, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो भी अपने आप को अपग्रेड करने आते हैं. तो उसका जो फर्स्ट रीज़न है वो ये कि हमारे जो एजुकेटर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, ट्रेनर्स हैं, दे ऑल आर वेल एजुकेटेड. लाइक वेल एजुकेटेड मीन्स कि उनको सिर्फ वो सिर्फ क्वालिफाइड नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस है. दे ऑल आर वर्किंग इन इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री में उन्होंने लाइव एक्सपीरियंस लिया है. एकेडमिकल नॉलेज और लाइव एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंस होता है. वो जो काम करता है इंडस्ट्री के अंदर, वो जानता है कि इंडस्ट्री में डू एंड डोंट्स क्या हैं. वो आपको डेप्थ में जाके सब्जेक्ट्स को समझा पाएगा. लेकिन जो इंसान सिर्फ मेकअप कोर्स करके निकला है और वो आपको ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेगा, तो वो आपको अपनी, उसके पास सिर्फ 10% नॉलेज होती है. वो 10% नॉलेज आपको देगा, आप उससे सिर्फ 1% नॉलेज ले पाएंगे. तो एक तो ये सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है बाकी अकेडमी में और हमारी अकेडमी में. और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अलाइन किए हुए हैं. लाइक हम लोग कुछ जिस भी आपको पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, हम उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आपको ए टू जेड सबको सिखाते हैं. हमारे पास मिक्स नहीं है, लाइक आप ये भी सीख लो, वो भी सीख लो. जैसे होते ना गली के जो डॉक्टर्स, आपने देखे होंगे, एक छोटी दुकान खोल के बैठा होता है, उसको हर चीज़ का ट्रीटमेंट कर देते हैं, मगर मास्टर को किसी चीज़ में नहीं होता. आप वहाँ जाते हो, आपको रिलीफ मिल जाता है, अगर उसका तुक्का लगा तो लग गया, नहीं लगा तो बंदा गया. वो हमारा हिसाब किताब है. तो सेम चीज़ मेकअप इंडस्ट्री में आजकल हो रही है कि एक कोर्स को बना दिया है, उस कोर्स के अंदर आप सबको सिखा रहे हैं, या तो आपने बेसिक टू एडवांस अलग अलग डिवाइड कर दिया है कि आप बेसिक सीख लो, फिर उसके बाद एडवांस सीखो, फिर लेवल ये सीखो. तो ये स्किल है. आप अगर किसी भी पर्सन का अगर आप मेकअप कर रहे हो और आप उसको बोल रहे हो कि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, इतना नहीं जानती हूँ, तो या मैं इतना जानता हूँ, मुझे इतनी ही नॉलेज है, तो आप उसको कंप्लीट लुक नहीं दे पाओगे. अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, किसी भी फील्ड में, तो आपको उस फील्ड से रिलेटेड ए टू जेड सब कुछ आना चाहिए. आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो कि मैं इतनी सी नॉलेज लेके आई हूँ या आया हूँ और मैं आगे इतना काम करूँगा. तो सेम चीज़ हमारे जो कोर्सेज हैं, दे ऑल आर डिवाइडेड लाइक दिस, कि आपको पर्टिकुलर किस इंडस्ट्री में जाना है, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको सब कुछ आना चाहिए. सब कुछ मीन्स आपको मेकअप उस इंडस्ट्री रिलेटेड, उसका हेयर, आपको स्टाइलिंग, आपको वर्क एथिक्स, हाउ टू मेंटेन द टीम, हाउ टू मैनेज सेलिब्रिटीज, हाइजीन, आपकी बिजनेस एथिक्स, आपको इवन आपको आपकी मार्केटिंग स्टाइल, आपको आपका प्रेजेंटेशन है ना, आपकी कॉस्ट्यूम, आपकी इमेज स्टाइलिंग, आपका पर्सनल ग्रूमिंग, आपको सब कुछ आना चाहिए. तब आप जाके एक परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट बन के निकलते हो. और ये सब हमारे सारे कोर्सेज में इंक्लूड होता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी मेकअप आर्टिस्ट कंप्लीट नहीं हो सकता. आप देखिए, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, आप देखेंगे कि वो बाकी लोगों से डिफरेंट है, उनका स्किल उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल वो आउटस्टैंडिंग है. उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे सबसे पहला रीज़न है उनका बिहेवियर, उनकी एथिक्स. आप सबसे पहले कनेक्ट करते हो क्लाइंट के साथ में, तब आपका, देखिए काम देख के तो कोई भी आपके पास आता है, लेकिन काम के साथ में जब आपका कनेक्शन बनता है, जब आपको आप कनेक्ट कर जाते हो, जब उसकी रिक्वायरमेंट को आप समझ लेते हो, और जब आपकी एथिक्स, आपका डिसिप्लिन, आपकी पंक्चुअलिटी आपको परफेक्ट होती है, तो आपको सक्सेस अपने आप मिलती है.